हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये सौरभ 735 आया हुआ है। आज हम इसके नए एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये इसमें इंजन में पानी उतरने की शिकायत है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ये आयल पानी आ गया इसमें। ये इसमें पानी आ चुका है, शायद आपको दिख जाए। ये देखो मेरी उंगली में पानी लगा हुआ है, तो हम इसको आज ठीक करेंगे। ये पानी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने हमारे फुल इंजन के वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम इसको हेड उतार के बताएंगे इसमें पानी कहाँ से निकल रहा है। 735 2000 मॉडल है ये। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके टेबल कवर खोल लिए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। ये इसकी सर्विस अभी 2-3 दिन पहले ही हुई है, तो इसका आयल इतना वो नहीं हुआ। बाकी इसके सारे सामान, अब हम इसका एक चैम्बर खोलेंगे। चैम्बर खोल के नीचे पुष्टे रख के और फिर हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा सिलेंडर में से पानी आ रहा है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल कवरों में पानी निकला है। ये देखो, ये पानी निकला इसमें। दोस्तों, ये 735 है, तो इसमें हेड गैसकेट तो रहता नहीं है, तो हम इसमें चेक करेंगे कि स्लीव में से पानी आ रहा है या कहाँ से आ रहा। बाकी और ट्रैक्टरों में हेड गैसकेट फटने से भी पानी आ सकता है, जैसे महिंद्रा है, फोल्ड है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके टेबल कवर खोल लिए हैं, और अब इसके दोनों फटके उतार के हेड उतार के और इसके लाइनर पिस्टन बाहर निकालेंगे, तो हम जल्दी से इसके हेड उतार लेते हैं। और आपने हमारे फुल इंजन की वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, हमने फुल इंजन की वीडियो डाले हुए हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका ये चैम्बर खोल लिया है, और ये हमने इसकी जाली भी खोल ली है ऑयल पम्प वाली। अब हम इसके नीचे यहाँ पुष्टा बिछा के देखेंगे कौन से सिलेंडर में से पानी आ रहा है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको पूरी तरह से खोल लिया है, और हम आपको बताएंगे इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। ये पानी, हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें पानी की बूंद आ रही है, ये वाली। तो इसका 3 नंबर पिस्टन जो है पानी आ रहा है 3 नंबर पिस्टन में से। और ये आप नीचे भी देख सकते हैं, ये इसके पानी के छींटे 3 नंबर पिस्टन में भी। ये वैसे तो हम इसके सभी लाइनर की रिंगें डालेंगे तीनों की, फिर भी हमने आपको दिखाया चैम्बर खोल के कि ये इसमें से 3 नंबर में से पानी आ रहा है। आप हम इसके हेड उतारेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर ये 1 नंबर पे पानी गिर रहा है, ये पानी के छींटे ऊपर से, बाकी 2 नंबर में नहीं है। सॉरी, ये 3 नंबर में गिर रहा है सौराज, 1, 2, 3 3 नंबर में पानी के छींटे गिर रहे हैं इसमें, ये 2 नंबर में नहीं है, बाकी 1 नंबर में नहीं है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको खोल लिया है, इसका 3 नंबर पिस्टन हेड उतार के इसको बाहर निकाल लिया है। बाकी के हम ये दोनों भी बाहर निकालेंगे, 1 नंबर 2 नंबर लेंगे, हम तीनों में डालेंगे जो रबड़ की रिंग रहती है इनमें। ये इसका 3 नंबर पिस्टन है, इसी में से पानी आ रहा था। हम कोशिश करेंगे कि इसमें पानी डाल के आपको दिखाएँ कि किस जगह से इसमें पानी आ रहा था। हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके तीनों पिस्टन निकाल लिए हैं, अब हम चेक करेंगे कि पिस्टन पे इसके निशान तो नहीं है। ये इसका पिस्टन बिल्कुल सही है, कंप्लीट है, इसमें कोई गर्मी का कोई निशान नहीं है, तो ये सीज नहीं हुआ है, कंप्लीट है। ऐसे ही हम तीनों पिस्टन को निकाल के चेक करेंगे। इसका एक पिस्टन सीज है 2 नंबर, ये वाला, ये पिस्टन इसका कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है,
इसका ये दो नंबर पिस्टन सीज है, पर पानी इसमें से आ रहा है, हम इसको चेक करेंगे पानी उसे क्यों आ रहा है। हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से पानी की बूंद बन रही है अभी, ये आप ये पानी आ रहा था यहाँ से लीक है कुछ लाता था। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ये पानी यहाँ से लीक हो रहा है, अभी ये बूंद बन गई है, धीरे 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 नीचे गिरेगी, तो यहाँ से लीक है, इसकी हम रिंगे डालेंगे पानी वाली। ये गिरेगा, ये बूंद बन गई है, ये इस जगह से लीक। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ये रिंग भी कटी हुई है, टॉप रिंग बहुत ज़्यादा गैप है, हम इसको भी नहीं डालेंगे, शायद आपको इसमें दिख जाए, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो हम इसकी एक पिस्टन, तीनों की रिंगें और सिल्लू की रबड़ रिंगें चेंज करेंगे। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये सिल्लू है, ये वाली जो रिंग रहती है इसमें ये कड़क हो जाती है, ये वाली निकाल दो सर, ये जो रिंग है ये कड़क हो चुकी है, इसलिए इसमें इंजन में पानी उतरा, ये टूट गई, कड़क होगी इसलिए इसमें से पानी, यहाँ से अंदर इसका पानी रहता है, यहाँ से इसमें पानी लीक हो जाता है, और ये बहुत इसमें पानी भी जमा हुआ है, तो हमने इसको बढ़िया इसको साफ करके फिर नई रिंगें डाल के इसको लगाएंगे हम। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसकी ये कंडीशन है, हम इसको बिल्कुल नए की तरह करेंगे, इसका जो ये कार्बन है, ये पानी का थार जमा हुआ है सब, इसको निकालेंगे हम लेथ मशीन की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में हम इसकी सफाई कर रहे हैं लेथ मशीन पे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसको रेगमाल की पट्टी से बिल्कुल इसकी सफाई बिल्कुल नए की जैसे करेंगे, हमारे काम में सफाई बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जितना हम इसकी सफाई चेक करेंगे उतना ही हमारा ट्रैक्टर ज़्यादा सर्विस देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों सिल्लू में रिंग लगाने से पहले हमें उसको खाली इसमें इसकी जो हंडी है इसमें बिठा के देखना है, ये बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके बाद हम इसमें रिंगें लगाएं नहीं वरना हमारी रिंगें कट भी सकती है। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसकी सफाई कर ली है बहुत अच्छी तरीके से, हमारे काम में सफाई बहुत महत्वपूर्ण रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल साफ कर लिया है, और इसकी सिम लगाएंगे हम, वैसे भी हमने इसके वीडियो डाले हुए हैं तो हम इसको सिर्फ एक ही सिल्लू में बताएंगे कि इसको कैसे लगाना है, अगर आपने हमारे फुल इंजन के वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें, उसमें हमने बता रखा है पिस्टन फिट करना, रिंग लाइनर क्रेन वगैरह जो भी है सब उसमें हमने डाल रखा है, तो आप हमारे वीडियो ज़रूर वॉच करें। सबसे पहले हमें इसमें ग्रिस लगा लेना, ग्रिस लगाने के बाद हम इसमें सिम लगाएंगे, ये वो सिम है जो कि लाइनर में लगती है, इसको हमें इस तरीके से लगा देना, इसके ऊपर भी हम ग्रिस लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसको ग्रिस लगा लिया है, उसके बाद हम ये रिंगे लगाएंगे, रिंगे चढ़ाएंगे इसमें ये वाली। हाँ तो दोस्तों इसकी ये रिंगे इसी रिंगों की वजह से इसमें पानी उतरा था, तो हम इस पर रिंग नहीं डालेंगे, ये इसकी पुरानी वाली रिंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कड़क हो चुकी है, टूट जाती है, जैसे हम इसको दबाते हैं हम इसको दबाऊंगा कि टूट जाएगी, ये टूट गई है, इसीलिए इसमें उस रिंग इसको हम दबाते हैं तो ये नहीं टूटेगी, ये नरम रिंग है, रिंग कड़क होने की वजह से इसमें हमारे पानी आ रहा था। हाँ तो ये रिंग इसमें रिंग चढ़ा लेंगे मैं उसको ये आयल गेज की मदद से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं रिंग चढ़ाने के बाद हमें इसको घुमाना है ऐसे इस तरीके से, बिल्कुल घुमाने के बाद इसको हम लगाएंगे ग्रिस, ग्रिस लगाने के बाद हम इसको फिट करेंगे। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें रिंगे चढ़ा ली और ग्रिस भी लगा लिया है, तो हम इसको इसका जो कवर है ये हम इसको अंडे बोलते हैं, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं जो भी आप आपकी भाषा में बोलते हो हम इसको अंडे बोलते हैं, वैसे आप इसको लाइनर कवर भी बोल सकते हैं, तो इसको हम इसमें हम ये जगह ग्रिस लगा के और इसको इसमें बिठाएंगे इस तरीके से, हमें इसमें ग्रिस लगा लेना,
ग्रिस लगाने से क्या हमारी रिंगें थोड़ी आसानी से चढ़ जाएगी। अब हमें इसको लेके और इसमें रखना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल इसको बढ़िया आराम से इसको लगा देना, इस तरीके से बिठाना है और बिल्कुल दोनों हाथों की मदद से इसको यूँ दबा देना है भाई। बहुत ही आराम से बैठ जाती है, इसमें हमें कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ये कनेक्टिंग है, हम इसमें हल्का सा आयल लगा के इसको पिस्टन को लगाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें आयल लगा लिया हल्का सा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पिस्टन का ये छोटा वाला हिस्सा, ये छोटा वाला हिस्सा, तो हम ये कनेक्टिंग का छोटा वाला हिस्सा, ये जो कनेक्टिंग का छोटा वाला हिस्सा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दिख जाएगा छोटा वाला हिस्सा, हम इसको ऐसे लगाएंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं हमने इसकी कनेक्टिंग को इसमें बिठा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों हम एक ही पिस्टन में आपको फिंगर डाल के बताएंगे, क्योंकि तीनों पिस्टनों में सेम रहता है, सेम तरीका ही रहता है तीनों पिस्टनों में रिंगें डालने का। तो हम एक ही पिस्टन में आपको रिंगें डाल के दिखाएंगे। ये इसकी स्वराज की ओरिजिनल रिंगें हैं, स्वराज कंपनी की ओरिजिनल जेन्युइन। ज़्यादातर हम जेन्युइन ही सामान डालते हैं और ओरिजिनल ही सामान डालना चाहिए, ट्रैक्टर वाले को भी ओरिजिनल ही सामान डालना चाहिए ताकि उसका ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे। ये स्वराज की ओरिजिनल है। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नया वाला पिस्टन है और ये इसके दोनों पुराने, जो हमने एक सीज हुआ था उसको हटा दिया। इसके दोनों पुराने पिस्टन है, हमने इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर ली है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके जो रिंग के जो गाने हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने साफ कर लिए हैं। और ये इसका पुराना पिस्टन जो कि सीज हुआ था, ये सीज हुआ है, यहाँ से भी सीज है, तो हमने इसको नया डाल दिया। और इसमें हम तीनों रिंगें जो इसकी रहती है वो रिंगें तीनों नहीं डालेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें इसको लगाना है, जैसा कि आपको ये निशान दिख रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये कंपनी को देती है। इसके बाद हमें ऑयल रिंग लगा लेना है। इसके जो नंबर है उषा स्वराज लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर की ओर रखेंगे ऐसे। ये जो उसका निशान है काला वाला, ये निशान दिख आपको दिख रहा है अंदर स्प्रिंग में, हमको इसको इस जगह रखना है, इस मुँह के यहाँ। ये कंपनी का एक मार्का बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इसकी ये भी कंप्रेशन रिंग है, ये दोनों का काम करती है, आयल का भी करती है और कंप्रेशर का भी करती है। तो जैसा कि आप शायद आपको दिख जाए इसकी निशानी है, स्वराज उषा लिखा हुआ है इस जगह, उसको भी हमें इस तरीके से लगाना है। दोस्तों इसकी ये टॉप रिंग है कंप्रेशर रिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं शायद आपको ऐसे निशान दिख जाए उषा, ये उषा स्वराज लिखा हुआ है, स्वराज की ओरिजिनल रिंग है। इसको भी, इस निशान को भी हम इसे ऊपर की ओर रखेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। रिंगें लगने के बाद हमें इसको इस तरीके से घुमा के देखना है, बड़ा आराम से, कहीं हमारी रिंग अटक तो नहीं रही है, बिल्कुल आराम से घुमा के देखना है। उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। दोस्तों आयल कैन की मदद से हमें इसमें आयल लगा लेना, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इसमें अच्छी तरह आयल लगाना है, उसके बाद हम बिठाएंगे इसको। हमें इसमें भी आयल लगाना है, इसकी पिन में, नजन पिन जिसको बोलते हैं, और हम इस सिलू में भी आयल लगा लेंगे। दोस्तों हमें इसकी अब रिंगें सेट करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी ऑयल वाली रिंग है और ये कंप्रेशर वाली रिंग है। तो इसको मैं हमेशा साइलेंसर साइड रखता हूँ, ये इसकी नोजल साइड छोटी वाली इससे, और ये बड़ा वाला जो हिस्सा है इसका साइलेंसर साइड है। तो मैं कंप्रेशर रिंग और ऑयल रिंग हमेशा साइलेंसर साइड रखता हूँ, और ये इसकी बीच वाली जो रिंग है उसको
इसको मैं यहाँ बीस सेंटर में रख देता हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हमको इसको इस तरीके से लगाना है, ये दोनों साइलेंसर तरफ और ये हमारा एयर क्लीनर की तरफ रिंग रहेगा बीस सेंटर में। तो हमको इसको इस तरीके से लगाना है। इसका वाटर जैकेट का जो, हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, इससे इस साइड रहेगा वाटर जैकेट की तरफ। ये जो वाटर जैकेट, तो वाटर जैकेट है जहाँ वाटर जो लगती है वाटर रिंग, वो वाला इससे इस साइड रहेगा। इसमें किसी पुलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको पिलर गेज की मदद से हम बिठा लेते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पिलर गेज की पत्ती की मदद से हम इसको बिठाएंगे। तो बहुत ही आसानी से बैठ गया था ये, इसकी टॉप रिंग बैठ गई। ये इसकी कंप्रेसर और ऊपर रिंग जो है ये बैठ गई। अब हम इसकी ये आउट वाली रिंग बिठाएंगे। हमें इस तरीके से इसको बिठा लेना, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपने तो ये चाहो कि हर आदमी का अच्छा हो। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर ली है। अब हम इसको फिट करेंगे। शायद ये आपको वीडियो में दिख जाए, हमारे काम में सफाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और बहुत जितना आप ट्रैक्टर की सफाई करोगे, उतना ही आपका काम सक्सेस अच्छा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर ली है, बिल्कुल साफ कर लिया है इसको। अब हम इसको इसमें इनलाइनर पिस्टन बिठाएंगे। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें ये एना बोन लगा लिया। अब हम इसमें सिम लगाएंगे, ये वाली सिम। इसके ऊपर भी हम एना बोन लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर भी ट्यूब लगा लिए और ये इसके पुराने बिगेन है, ये कट चुके हैं, इनमें लाइनिंग आ चुकी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लाइनिंग आ चुकी है, तो हमने इनको नया डाल दिया। ये भी हमने स्वराज के डाले हैं ओरिजिनल। जैसा कि आप देखते हैं, स्वराज का पैकिंग है अभी, हम इसको खोल के बताएंगे इसमें कौन से निकलते हैं, क्लोज करके निकलते हैं, कहीं निकलते हैं। ये स्टैंडर्ड का है, ये एसके का निकला है अंदर से। अब ये जो कंपनी दे देती है, किलोस करके भी निकलते हैं, ज़्यादातर किलोस कर ही निकलता है, पर ये एसके का है। तो हम इसको इसमें लगाएंगे, ये इस तरीके से लगेगा। हमें ये मक्खी से मक्खी लगा के इसको बिठा देना है ऐसे। उधर से हम इसको ऐसे दबा देंगे। ये इसकी कनेक्टिंग कैप, हम इसमें निशान नहीं लगाते, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, हम इसको ऐसे लगाते हैं। ये लिखा हुआ है L19, ये L19, तो इसकी ये वाली कैप हुई। बाकी हम एक दो तीन ऐसे निशान नहीं लगाते कनेक्टिंग में। हमने इसमें आयल लगा लिया है, अब हम इसको लगाएंगे। आयल कैन की मदद से हमें इसमें आयल लगा लेना है। इसको इस तरीके से बिठाएंगे। ये ऐसे लगेगा। ये बैठ चुका है। अब हम पेंचकस की मदद से इसको, पेंचकस ला भाई, ये इंजन इस तरीके से घुमा के ये इसको नीचे लेना है। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसकी ये कनेक्टिंग ले ली। अब हम इसमें कैप लगाएंगे। हमें इसकी मक्खी से मक्खी लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ये वाली मक्खी, और ये हम दोनों मिलेंगे। लगा भाई। हाँ
पहले हमें इसको टीएनडल से टाइट कर लेना है। इसमें 17 की बॉक्स गोटी लगती है। इसको हमने अभी टीएनडल से टाइट कर लिया है। हम इसको पिले चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पिले बता रही है, शायद आपको वीडियो में दिख जाए, ये पिले बता रही है। हमें पिले विशेष चेक करना रहती है कनेक्टिंग में। हमने इसको 10 केजी पे मिला लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसको टॉर्क कर रहे हैं अभी। ये टॉर्क की आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये आप टॉर्क की आवाज़ सुन सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम दो इसके पिस्टन और लगा लेंगे। ये सेम तरीका है दोनों का, तो हम इनकी वीडियो नहीं बनाएंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके तीनों पिस्टन बिठा लिए हैं कंप्लीट। अब हम इसको एक बार घुमा के चेक करेंगे। घुमा भाई, ये बहुत ही आसानी से घूम जाता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक चक्कर इसको घुमा के देखना पड़ता है कहीं हमारा इंजन टाइट तो नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्री है। अब हमने इसकी ये पाइप लगा ली है, वाटर पाइप। इसके टॉप बॉटम के छल्ले कंप्लीट करके हम इस पर हेड रखेंगे। हमने इसका हेड का काम नहीं कराया है, तो हम उसमें हेड की वीडियो नहीं बना पाएंगे। ये इसकी वाटर जैकेट है, इसको भी हमने नया डाला है। हमें इसको हैमर की मदद से इससे ठोक लेना है हल्का हल्का। ये टूट चुकी है। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसकी हेड की पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली है। और इसके ये जो जहाँ पुसराड लगती है बंसरी पे हमने बिठा ली है। अब इसके ऊपर हम हेड रखेंगे। कंप्लीट है हेड। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका हेड लगा लिया है। और हम इसके जो बोल्ट है ये हेड के, ये 12.5 केजी पे टाइट करते हैं। इसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। हमारा फुल इंजन रिपेयरिंग का जो वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उसमें हमने सब चीज़ को बताया हुआ है। हम इसके नट 12.5 केजी भी कसते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर करें। उससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम बना के आपके लिए लाएंगे। अब हम इसके टेबिट कंप्लीट करके ही आपको बताएंगे, क्योंकि हमने टेबिट के वीडियो भी डाले हुए हैं काफ़ी। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी एक नंबर चिड़िया दबी हुई है, और एक इसकी ये दूसरे नंबर की टेबिट की चिड़िया दबी हुई है। तो हम एक नंबर एक ये और दो, ये चार चिड़िया के हम टेबिट मिला सकते हैं। एक दो तीन चार, स्वराज का इंटेक ये है। ये इंटेक के सामने वाला जो टेबिट रहता है, जैसा कि आपको देख सकते हैं ये इंटेक है। इस इंटेक के सामने वाला टेबिट ये इंटेक है, ये वाला भी इंटेक है और ये वाला भी इंटेक है। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको स्टार्ट कर लिया है। और हमें ये ऊपर भी ऑयल चढ़ गया, चिड़िया में हमें चेक कर लेना चाहिए ताकि हमें बाद में दिक्कत नहीं आए। इसमें ऑयल आ रहा है चिड़िया में ऊपर। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको ट्रैक्टर कंप्लीट कर लिया है। ये वही ट्रैक्टर है जिसमें इंजन में पानी आ गया था सिलू की रबरिंग कटने की वजह से। तो आप देख सकते हैं शायद इसका साउंड भी आपको सुनाई दे जाए। ये वही ट्रैक्टर 7735। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे हम ट्रैक्टर के विषय में वीडियो लाते रहते हैं। और हमारे वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे से आगे हमारे किसान भाइयों को शेयर करें। ये वही 7735 है, 2000 मॉडल। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके ट्रैक्टर को कंप्लीट कर लिया है। वो ट्रैक्टर है 2000 मॉडल, जिसकी हमने आपको बताया था कि इसमें इंजन में पानी उतर गया था, तो हमने इसके सिलिक रिंगे डाल के कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका साउंड वगैरह सब सही है, धुआं वगैरह कोई भी। इसका ये ऑयल प्रेशर है, ऑयल प्रेशर इसका वही है जहाँ अपने इंजन बांधते हैं उसी जगह बिल्कुल कम्प्लीट है इसका ऑयल प्रेशर भी। हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं, और हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वो ट्रैक्टर कंप्लीट कर दिया है। ये वही ट्रैक्टर है 7735 2000 मॉडल। इसमें
इंजन में पानी मिलने की शिकायत की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। आप हमारे वीडियो देखना, हमने इसमें बताया है कि इस किस वजह से प्रॉब्लम हुई थी, कि सिलिक रिंग कटने से दिक्कत हुई थी। अगर आपने हमारे और वीडियो भी देखें नहीं देखें तो ज़रूर देखें, उसमें हमने इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।